कौशिक की पांच बहुएं। घड़ी कम समझी थी इस वक्त जी बच्चे को फोन किया था हमने, काफी उदास लग रही थी, हमसे रहा नहीं गया और हम इससे मिलने चले आए और यहां आकर देखा कि बच्ची कितनी परेशान है। क्या हुआ अनामिका, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मासा, ऐसे कोई बात नहीं है, मामा जी तो ऐसे घबरा रहे हैं। यूं ही घबरा गए हम? हाँ समधन जी, बच्ची की सगाई टूटी है, बाहर जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे हम उनको? लेकिन मामा जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। देखो जो हो गया उसे जाने दो और आप बिल्कुल घबराइए मत, जैसे ही अनामिका की तबीयत ठीक हो जाएगी हम सगाई कर देंगे। समधन जी, तबीयत खराब होगी तो ठीक होगी ना? अरे मानसिक तनाव के कारण बच्ची बेहोश हो गई उस दिन, लेकिन आपके संपूर्ण परिवार वालों ने हंगामा मचा दिया कि हमारी बच्ची को मिर्गी के दौरे आते हैं। नहीं नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं ना। माफ कीजिएगा समधन जी, लेकिन आपके घर में कोई तो ऐसा है जो इस शादी से खुश नहीं, कोई तो है जो अनामिका को पसंद नहीं करता। मासा, वो लड़की एक नंबर की धोखेबाज है, समन भाभी की आत्मा का उसके अंदर आना ये सब एक ढोंग है। और उसी की नजर लगी होगी उस दिन उसको, इसी कारण बेहोश हो गई। अरे ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो इसे अपनी बहू मान चुके हैं। हाँ बाबूजी, यही बात तो हम मामा जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर में हर कोई हमारी शादी के लिए राजी है, यहाँ तक कि लवली भाभी, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। अरे वो तो दिल की बहुत अच्छी है। देखिए कितनी भोली है हमारी बच्ची, किसी के लिए इसके दिल में कोई खोट नहीं है और इसीलिए इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हम आपका मतलब समझे नहीं। आपकी वो जो सबसे छोटी बहू है ना, लवली बहू, उसके तेवर हमें कुछ पसंद नहीं। बुरा मत मानिएगा समधन जी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। आपकी उपस्थिति में तो वो हमारी बच्ची से कुछ नहीं कहती, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में हमारी बिटिया को डराती धमकाती रहती है आपकी वो लवली बहू। अनामिका कैसी है तू, क्या हुआ? कौशिक परिवार में जाके तेरी दाल गली या नहीं? अब यहाँ चित्तौड़ में तो तू बदनाम है ना, यहाँ तो कोई तुझसे शादी करेगा नहीं। कौशिक परिवार के लड़के शिवेंदु ने तुझसे शादी करने के लिए हाँ की है या नहीं? हाँ कर दी। मैं तो पहले ही कहती थी, अनामिका जो कहती है ना वो करके दिखाती। अगर उसने ठान ली है कि वो किसी अमीर घर के लड़के से शादी करेगी, मतलब करेगी, तो कब तक हो रही है तेरी शादी? हो जाएगी। अरे जरूर हो जाएगी, आज तक तेरा कोई दाव खाली गया जो इस बार जाएगा? वैसे एक बात बता, तुझे डर नहीं लगता अगर उन लोगों को तेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो? डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अब अच्छा सुन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक। ये नंबर तो चित्तौड़ का है, मुझे वहां जाना ही होगा।
अरे नहीं नहीं नहीं, लवली ऐसा नहीं कर सकती। अब माफ कीजिए बाबूजी, हम आपका और मासा का विश्वास तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मामा जी ने जो कहा है वो गलत भी नहीं। लवली भाभी ने कई बार हमें धमकाया है कि तुम सिमरन जी की जगह लेने की कोशिश मत करो, और ये भी कहा कि तुम इस घर से चले जाओ। भाई, ये तो गलत। देखिए समधन जी, परिवार में आपसी मतभेद तो होते रहते, लेकिन हमने इस बात का निश्चय किया है कि जब तक आपका संपूर्ण परिवार प्रेम पूर्वक हमारी अनामिका को नहीं अपनाता, तब तक हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी हमारी बच्ची की जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी है, और इसीलिए हमने निश्चय किया है कि हम अपनी बच्ची को यहां से लेकर जा रहे हैं। माफ कीजिएगा संदीप जी, लेकिन अब हम अपनी बिटिया की शादी इस घर में नहीं कर सकते। चलते हैं, चलो यहां से। रुकिए संदीप जी, जी भले ही सगाई टूट गई हो, लेकिन हम अनामिका को अपनी बहू मान चुके हैं, और इसीलिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम जल्द से जल्द शिब्बू का ब्याह अनामिका से करा देंगे, और ये हमारा वादा रहा। शिबू बेटा, बात सुनो। जी मासा। शिबू बेटा, हम जानते हैं कि सगाई टूटने से तुम दोनों का मन बहुत उदास हो गया है, लेकिन बेटा हम वचन देते हैं कि तुम दोनों का ब्याह जल्द से जल्द होगा, और वो भी बिना किसी अड़चन के। अगर तुम शिबू की भलाई चाहती हो, तो जब तक शिबू का ब्याह ना हो जाए तुम अपने मायके चले जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं।
काश आपके आंसू पोंछने का हक आपने बनने दिया होता। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कमाल है यार कुंदन, तू एक तीर से इतने सारे शिकार कैसे कर लेता है? कला है। सही है। ये भगवान, मैं गलती से जल्दबाजी में फोन यही भूल गई थी, पर लवली भी यहीं पर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जासूसी करने के चक्कर में उसने मेरे फोन पे कुछ देख लिया? तो चेक करना। अब मेरी फ्रेंड संगीता का फोन आया था और कॉल रिसीव भी हुआ। पूछना उससे, पूछ की क्या बात करती? अभी तो बात हुई थी। क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई जो वापस से फोन किया? अरे मुझसे बात नहीं हुई थी, किसी और लड़की से बात हुई थी तेरी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि तूने उसे क्या क्या बताया? कुछ खास नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी तू, चल फोन रख। अरे उसने तो सब कुछ उगल दिया, हमारा भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करते हैं, हम ना चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। चुप। पतली गली से हम नहीं, वो छोरी लवली बाहर जाएगी और एक बार उस छोरी को अकेले पिंजड़े से बाहर निकल लेते, फिर देख कुंदन उसका क्या हाल कर। अगर तुम शिब्बू की भलाई चाहती हो तो जब तक शिब्बू का ब्याह ना हो जाए तुम अपने मायके चले जाओ। कार्तिक, अनामिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे उसके गांव जाना पड़ेगा। व्हाट? तुम अनामिका के गांव जाओगी? चित्तौड़, वो भी अकेले अनामिका का पता करने के लिए? हेलो मैडम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम अकेले कहीं नहीं जा रही हो एंड ये चीज बिल्कुल फाइनल है, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। कार्तिक तुम टेंशन मत लो, मैं वहां अकेले सब कुछ संभालूंगी। अगर मेरे पास सबूत होंगे तो उन सबूतों को मासा के सामने रख के मैं मासा को अनामिका की सच्चाई बता पाऊंगी। और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती कार्तिक, तब तक तुम और करंटिया उस पर नजर रखना, और कुछ भी हो जाए इस शादी को होने से रोक लेना प्लीज। तब एक बात बताऊं, बहुत अच्छी, सबके बारे में कितना सोचती हो। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत सोचती भी हूँ, लेकिन माय डियर हस्बैंड अब आपको सोचना पड़ेगा कि मासा को क्या कहेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ।
जी मासा। मासा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? लवली, तुमने हमेशा इस घर का भला चाहा है ना? जी मासा। और शिब्बू की भलाई? मासा, आप अचानक किस तरीके के सवाल क्यों पूछ रही हैं? तुम बोलो लवली, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम शिब्बू की भलाई चाहती हो या नहीं। मासा, शिब्बू भैया ही नहीं, मैं इस घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के लिए भी। तो ठीक है लवली, अगर तुम शिब्बू की भलाई चाहती हो तो जब तक शिब्बू का ब्याह ना हो जाए तुम अपने मायके चले जाओ। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? लवली, हम शिब्बू को खुश देखना चाहते हैं और तुम हमारी इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट हो। हम चाहते हैं जब तक शिब्बू का घर ना बस जाए, उसकी खुशियां वापस ना लौट आए, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मासा, देखो ना मत कहना, तुम्हारा ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन मासा, एकदम निशाने पे लगा है। बच्चा लोग, काम शुरू करो। शादी सादगी से कर रहे हैं लेकिन रीति रिवाजों में किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। अरे करंटिया, जाओ लवली को बुला रहा, उसे भी तो साड़ी पसंद करनी होगी। समधन जी का फोन आया था, उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है और समधी जी भी बाहर दौरे पर गए हैं, अकेली हैं वो, इसलिए मदद के लिए लवली को अपने घर पे बुला लिया है। हम ना नहीं कर सके। लवली, उनका ख्याल रखना, लेकिन शादी तक तो वापस आ जाएगी ना। रिया बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? उसकी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो ठीक हो जाएंगी तो आ जाएगी, वरना ऐसी कुछ बात नहीं है। रुको लवली,
पता है तुम क्यों जा रहे हो?